cos 2x में जैसे कि आप जानते हैं कि cos a plus b की वैल्यू cos a cos b माइनस sin a sin b रहती है। अगर आप a की वैल्यू को x माने, b की वैल्यू को भी x माने, तो जहां जहां a है वहां वहां x, जहां जहां b है वहां वहां x, तो a cos 2x हो गया। जहां जहां a है वहां वहां x, जहां जहां b है वहां वहां x, cos x cos x cos स्क्वायर x माइनस x x sin x sin x sin स्क्वायर x। अगर आप यहां पे 10th क्लास की बुक भी लगाते हैं, इसको 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखते हैं, ये अभी भी cos 2x is 1 माइनस 2। एक आइडेंटिटी ये बनती है, एक आइडेंटिटी ये बनती है। अगर आप sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखते हो, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x। ध्यान से देखें, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा और 2 cos स्क्वायर x रह जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक और प्रॉपर्टी बन जाती है। थोड़ा सा सोचने पे cos स्क्वायर x को 2 अपॉन secant स्क्वायर x लिखा जा सकता है। secant स्क्वायर x की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और जब हम LCM लेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। आपने sin 2x में भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x रिसीव किया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि sin हो या cos हो, जब tan के शब्दों में लिखना पड़ता है तो डिनोमिनेटर में आता है, तो माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो इवेंचुअली 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x की चार आइडेंटिटीज होती हैं, काफ़ी बढ़िया रहती हैं, समझने में काफ़ी आसान है और अप्लाई करने में बहुत मज़ेदार है, क्योंकि चारों में से ये चूज़ करना कि कब क्या रखा जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया मैथमेटिकल कंटेंट है। तो चार कौन कौन सी हुई, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। दीज फोर आइडेंटिटीज ऑल बिलोंग्स टू cos 2x and very interestingly we use it accordingly. So don't forget, cos 2x is cos square x minus sin square x, cos 2x is 2 cos square x minus 1, cos 2x is 1 minus 2 sin square x, and cos 2x is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Thank you so much.